क्वेश्चन एक बार फिर और देखिए, एसआई क्वेश्चन जीरो से पावर टू में इसको इंटीग्रेट करना, गौर से अगर आप देखेंगे तो थीटा की वैल्यू तो लास्ट में जीरो और पावर टू डालनी पड़ेगी, तो ये सॉल्व हो करके एक्स का एक फंक्शन हमको मिलेगा, तो ये एफ ऑफ एक्स ही हमको कैलकुलेट करना है कि क्या होगा, राइट। अब ये जो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, तो हम वही टेक्निक यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में की थी कि पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो फिर इंटीग्रेट कर लो, और इसको डिफरेंशिएट करने में हम हेल्प लेंगे लेबनीज रूल। अगर मैं f dash x निकाल राइट विद रिस्पेक्ट टू x, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x यहां तो है नहीं, तो सीधे सीधे इसका होगा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग थीटा एज अ कांस्टेंट। तो देखिए क्या आना, जीरो से पावर डेरिवेटिव, ये भाई साइन स्क्वायर थीटा तो कांस्टेंट है तो ये कैसे कैसे आएगा, और इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि इसमें x है, तो सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, तो मेरा 1 plus x sin स्क्वायर थीटा, और अब 1 plus x sin स्क्वायर थीटा का करेंगे, 1 का तो जाएगा 0 और x sin स्क्वायर थीटा का हो गया, x का हो गया 1 sin स्क्वायर थीटा है तो कांस्टेंट यहां बच जाएगा, ये मिला प्लस जीरो का तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, और ये साइन स्क्वायर थीटा से कटेगा, और अब हमारे पास यहाँ पे एक जो फंक्शन बचा है थीटा की फॉर्म में, वो इस तरह से वन प्लस सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद साइन स्क्वायर थीटा, राइट। यानी कि इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, देखिए जीरो टू पावर टू वन अपॉन वन प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे फंक्शन को जिसमें डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा की सेकंड डिग्री टर्म्स हो, इंटीग्रेट करने के लिए हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, राइट। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जीरो टू पाई बाय टू, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से, वन को डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ बनेगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा प्लस एक्स इंटू टेन स्क्वायर, आपको याद आ रहा होगा ये फंक्शन कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट वी टेक टेन थीटा एज टी, तो जैसे हम टेन थीटा को टी मानेंगे ना, ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये तो बन जाएगा देखो डी थीटा, करेक्ट। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया टी स्क्वायर, और ये हो गया एक्स टी स्क्वायर, इस x t स्क्वायर और t स्क्वायर से कॉमन लेके इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट का क्या होगा, जब थीटा 0 तो t भी 0, थीटा पावर 2 तो t हो गया इनफाइनाइट, तो ये फंक्शन अपने पास हो गया है, करेक्ट। अब यहां हम सीधे सीधे इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, dt अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर वाला फार्मूला यहां लग जाए, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स टी अंडर रूट वन प्लस एक्स, और यहाँ पे जो टी का मल्टीपल है अंडर रूट वन प्लस एक्स, तो उससे भी हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा फंक्शन को, और जीरो टू इंफिनिटी इसकी लिमिट होता है, इसको समझिएगा ढंग से आप, है ना, वन प्लस टी स्क्वायर होता है, जैसे अभी ऐसा होता है ना वन अपॉन वन प्लस फोर टी स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख लीजिए टू टी का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता टेन इनवर्स टू टी डिवाइडेड बाय 2 टी के मल्टीपल से डिवाइड भी करते हैं उसको लास्ट में, तो इसलिए हमने यहाँ इसको अंडर रूट 1 प्लस x से डिवाइड कर दिया। अब इसमें देखिए लिमिट डाल देते हैं, तो हमें f डैश x का हमें, जब आप ये लिमिट पुट करेंगे इनफाइनाइट, तो tan इनवर्स इनफिनिटी विल बिकम पाई बाय 2, तो मिलेगा पाई अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस x, और जब जीरो पुट करेंगे यहाँ पे तो टेन इनवर्स जीरो हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो, तो कुल मिला के ये एफ डैश एक्स आ गया, राइट। हमें तो एफ एक्स निकालना है, तो अब हम इसको वापस से इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये एफ डैश एक्स है, तो एफ एक्स क्या होगा पाई बाय टू अंडर रूट वन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, और ये बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है दोस्तों, पाई बाय टू कॉमन आ जाएंगे बाहर, और अंडर रूट वन प्लस एक्स डिनोमिनेटर में, तो वन बाई रूट टी का इंटीग्रेशन हम जानते हैं टू रूट टी होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया टू टाइम अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये कैंसिल हुए, और इस तरह से आपको एफ एक्स मिल गया पाई
under root 1 plus x plus c. अब वही समस्या कि c का वैल्यू क्या होगा, तो c की वैल्यू निकालने के लिए आपको वापस इनिशियल कंडीशन पे आना पड़ेगा। यहां आ जाइए ओरिजिनल प्रॉब्लम पे और ये देखिए कि इसमें x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने पर अपने को fx का वैल्यू मिल सकता है इजीली। और बिल्कुल देखिए अगर हम x का वैल्यू 0 डाल देते हैं तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, log 1 बचेगा, log 1 भी 0 होता है, तो इसका न्यूमरेटर 0 होने से ये पूरा इंटीग्रेशन ही 0 हो गया। यानी कि फ्रॉम गिवन प्रॉब्लम, फ्रॉम गिवन रिलेशन, नॉट दैट f ऑफ 0 इज 0, अगर ये मैं यहां लगा दूं, देखो f of 0 यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 plus c, that is 0, तो c का वैल्यू हो गया वही minus 5, तो ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, fx बराबर होगा pi under root 1 plus x minus 5, and बात समझ में आई, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इंटीग्रेट करने का, इस इंटीग्रेशन के सिंबल को हटाने का एक तरीका तो है इंटीग्रेट करके और दूसरा तरीका है डिफरेंशिएट करके, और इसको डिफरेंशिएट करने में आपकी हेल्प करेगा लेबनीज रूल। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल हम लेबनीज रूल पे देखते हैं, जेई एडवांस से। हां तो जेई एडवांस 2016 की एक प्रॉब्लम है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन इन इंटरवल 0, 1। ओके तो देखिए कैसे, अब इसका एक तरीका तो क्या है कि कुछ लोगों ने कोशिश की होगी कि इसको सॉल्व कर ले, ये कॉमन सा इंटीग्रेशन है जो एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, राइट। अब लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाता है, सॉल्व करने में काफी टाइम लगता है इसको, लेकिन हो जाता है सॉल्व, और अगर मैं वैसे करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और फिर भी एक बहुत खराब सी इक्वेशन बनेगी जिसके नंबर ऑफ रूट लगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे पता लगाएंगे, वही बात, अगर मैं इंटीग्रेशन नहीं करना चाहता और इससे मुझे मुक्ति चाहिए तो इसके लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन कैसे लेके आए हम बीच में, तो किसी फंक्शन के नंबर ऑफ, किसी इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट में हम लेंगे पता करना हो तो हम डेरिवेटिव कैसे यूज करते हैं, जैसा कि हमने एओडी में सीखा था, हम एफ डैश निकालेंगे और फंक्शन की मोनोटोनिसिटी के बेसिस पे तय करेंगे कि इसके कितने रूट आ सकते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूँ, 0 टू x d स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t बार 4 dt माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, राइट। इसके रूट, इसके रूट सेम ही होंगे और इस पूरी टर्म को हम नाम दे देते हैं, चलिए gx, और अब मुझे डिसाइड करना है कि gx की वैल्यू कितनी बार 0 हो सकती है 0 से 1 में, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं g dash x, लेबनीज रूल लगाते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, t की जगह x का हो x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x पावर 4 आ गया, 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इधर माइनस 2x का माइनस 2 हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन आ गया 0 हो गया, तो ये डेरिवेटिव आपको यहां से मिल गया, करेक्ट। अब हमको चेक करना है कि ये डेरिवेटिव कब 0 होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव, तो देखो कैसे चेक करें। हाँ तो देखिए ये जो टर्म है, इस टर्म पे गौर कीजिए, बहुत कॉमनली यूज होने वाली टर्म है, अब अगर IITJEE की तैयारी कर रहे हैं कई बार इस टर्म को यूज किया होगा, अभी बताते हैं। इस x स्क्वायर को डिवाइड करके जरा डिनोमिनेटर में लेके जाइए तो आपको ऐसे मिलेगा 1 upon x square plus x square, ये टर्म आपको यहाँ डिनोमिनेटर में मिलेगी, राइट। अब देखिए ये जो टर्म होती है ये बहुत ही पॉपुलर सी टर्म है फिलहाल, जैसे x स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, जो पॉजिटिव नंबर के लिए मैं जानता हूं कि उनका जो अर्थमेटिक मीन होता है ये हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर 1/x², तो ये कैंसिल होकर 1 हो गया, 2 को अगर हम उधर ले जाएं तो फाइनली हमें ये मिलता है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम होता है ना, वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल है, तो अगर ये 2 या 2 से बड़ा है तो 1 upon 1/x² + x², ये टर्म कैसी होगी दोस्तों, हाफ से छोटी, राइट। और फाइनली
क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो आप देखेंगे कि ये जो टर्म इसका वैल्यू होगा जीरो से लेकर के हाफ के बीच में, इंक्लूडिंग हाफ इंक्लूडिंग जीरो, तो ये जो टर्म है ना जीरो से लेके वन बाय टू के बीच में आएगी हमेशा। इसका मतलब जो आप इसमें से टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ऑलवेज कैसी टर्म मिलेगी, नेगेटिव। ये बहुत पॉपुलर सी टर्म है, सबको याद होती है, किसी भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा दो या दो से बड़ा होता है, तो उसको यूज कर लूं मैं तो और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जी डैश नेगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन जी एक्स जो है अपना कैसा है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है राइट, जो फंक्शन डिक्रीजिंग होते हैं वो वन वन भी होते हैं, यानी वो एक वैल्यू एक ही बार ले सकते, यानी जी एक्स अगर जीरो होता है तो वो मैक्सिमम एक ही बार जीरो हो सकता है, यानी हमें अब ये पता लग गया है कि इसके एक से ज्यादा रूट तो नहीं होंगे। अब दो पॉसिबिलिटी है, तो जीरो रूट होगा या वन रूट होगा। अब ये हम कैसे डिसाइड करें कि इसका एग्जैक्टली एक रूट होगा या नहीं होगा, अभी तक हमें ये पता लगा कि इसका एटमोस्ट एक रूट हो सकता है। अब इसके लिए हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे। देखिए अगर मैं जी जीरो निकालूं, जीरो में अगर आप इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, देखो जीरो डालते ये जीरो से जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, वन बचेगा, तो जी जीरो की वैल्यू आ रही है दोस्तों वन। और अगर जी वन निकालते हैं तो ये ऐसे हो गया जीरो टू वन, टी स्क्वायर वन प्लस टी की पावर फोर डी टी और माइनस, राइट। अब ये जो फंक्शन है ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये इस तरह की टर्म x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x पावर 4 टाइप टर्म, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू 0 से लेके हाफ के बीच में होगी, यानी ये जो टर्म है ये मैक्सिमम से मैक्सिमम हाफ हो सकती है, करेक्ट। तो अगर ये हाफ भी होगी ना दोस्तों तो इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा, आप देखिए टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी पावर 4 इज लेस देन हाफ, अगर आप इंटीग्रेट कर दें इसको जीरो से वन में तो इधर आपको क्या मिलेगा, हाफ। इसका इंटीग्रेशन भी जीरो से वन में हाफ आएगा, यानी ये जो टर्म है इट इज ऑलवेज लेस देन हाफ, ये टर्म हाफ से लेस है, टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको हमेशा नेगेटिव नंबर मिलेगा। अब देखिए जीरो पर वन आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू, वन पे नेगेटिव आ रहा है, यानी फंक्शन वन से डिक्रीज करते हैं कंटिन्यूसली एक नेगेटिव नंबर को जाएगा। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जीरो और वन के बीच में एग्जैक्टली एक बार, अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली एक बार फंक्शन का वैल्यू जीरो जरूर हो जाएगा और एग्जैक्टली वन सी इन जीरो टू वन। तो इन दोनों बातों से, चूंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है जीरो पे पॉजिटिव है और वन पे नेगेटिव है, हमें ये पता लगता है कि जीरो से वन में इस इक्वेशन का वैल्यू केवल एक बार जीरो हो सकता है, यानी इस फंक्शन की वैल्यू केवल एक बार जीरो हो सकती है, यानी इस इक्वेशन का एग्जैक्टली एक रूट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है वन। तो आपने देखा कैसे लेबनीज रूल ने फिर हमारी हेल्प की यहाँ पर, तो दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन और कीजिएगा, हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। अगर आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट है जेई एडवांस क्लियर करना, तो प्लीज़ हर क्वेश्चन को हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझें, शॉर्ट ट्रिक पर ज़्यादा भरोसा और बिलीव ना करें, कोशिश करें कि आपको कॉन्सेप्ट के बेसिक समझ में ना आए, राइट। इसमें मैं जो भी हेल्प हो सकती है वो करता रहूँगा, और अगर आपको ये जो हमारी मेहनत है ये पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी आपके फ्रेंड जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं।